नेट क्या होता है वो तो आपको पता चल गया, आपने एक फॉर्म भरा नेट का जिसमें आपका अगर क्लियर हो गया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट में बने चाहे प्राइवेट में बने। पे स्केल भी मैंने आपको बता दिया। JRF क्या होता है? JRF ऑन द अदर हैंड इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप विच मीन्स मनी यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर क्वालिफाइंग नेट। इट्स लाइक स्कॉलरशिप फॉर बींग स्कॉलर्स और फेलोशिप फॉर बींग ए टीचिंग फेलो ETC। यानी कि आपको अगर रिसर्च करनी है, कई लोग रिसर्च करते हैं मतलब PhD करना चाहते हैं, उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, तो गवर्नमेंट ने कह दिया अगर आपने वही नेट का फॉर्म भरा है, आपने करना कुछ होता है, नेट का ही फॉर्म होता है, उसकी परसेंटेज हाई चली जाती है। मान लीजिए नेट वाले ने नेट का एग्जाम निकाला 60% में, तो JRF की परसेंटेज हो जाएगी लगभग 80% 90% हो जाएगी। और देखिए नेट का एग्जाम निकालते थे 6%, तो JRF का निकालेंगे और भी कम, यानी कि 1% हो सकता है, 0.5% हो सकता है, 2% हो सकता है। उनमें आपको 3 साल के लिए लगभग आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी जिसमें आपको लगभग 26,000 रुपये तक दिए जाएंगे। तो ये जो अमाउंट होती है 25-26,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, ये अमाउंट आपको आपकी रिसर्च यानी कि PhD कंप्लीट करने के लिए दिए जाएंगे। उसमें आपको एक गाइड प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो PhD होल्डर होगा और किसी सरकारी संस्था में लगा हुआ होगा, उसके अंदर आप अपना थीसिस पूरी कर पाएंगे, अपनी रिसर्च पूरी कर पाएंगे, और 5 साल का आपके पास टाइम मिलेगा जिसके अंदर आप अपनी थीसिस पूरी करके PhD की डिग्री भी ले पाएंगे। और इसके बाद 2-3 साल बाद आप JRF से SRF यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आप कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये 25-26,000 की जगह आपको मिलते हैं सीधे 30-35,000 रुपये। तो इसके अंदर आपके पास JRF की पूरी डिटेल दी गई है, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। अगर तब भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं।